हेलो जी वालेकुम आज हम जो है फाइनली स्टार्ट करने लगे हैं मैथ्स को मैथ्स को हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि पीएमएस और सीएसएस में स्क्रीनिंग टेस्ट भी उन्होंने रख लिया है उसके अलावा भी पीपीएससी में बच्चों को बहुत मसला होता है मैथ्स करते हुए तो इसके अंदर हम जो है बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे अगर किसी की बेसिक्स ठीक है तो वो एडवांस लेक्चर्स का वेट करें फिलहाल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ये जो तो वीडियो है इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं इसके अलावा हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स की नेचुरल नंबर्स जो हैं उन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं ये ये होते हैं जिस तरह काउंटिंग हम बच्चे को सिखाते हैं तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो काउंटिंग सो वन सो फोर्थ चलती रहती है ठीक है तो अब क्या होगा कि मतलब काउंटिंग नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री फोर फ़ाइव से ये अब नीचे आपको टाइम लाइन टाइम वो सॉरी नंबर लाइन दिखा रहे हैं उसकी नेचुरल नंबर्स की तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और सो ऑन ठीक है और ये कहाँ तक चलते रहता है जहाँ तक आप चलाना चाहें इसे ठीक है आगे वो कहता है जी होल नंबर्स तो होल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं होल नंबर्स हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं लेकिन नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते होल नंबर्स में हम ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं तो अब एक अगर ज़ीरो डाल दिया जाए नेचुरल नंबर्स में तो वो क्या बन जाएंगे होल नंबर्स ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर नंबर्स लाइन से कि नेचुरल नंबर्स ये हैं और अगर ज़ीरो अंदर डाल दें तो ये सारे क्या बन जाएंगे होल नंबर्स अच्छा जी अब हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या फ़र्क है नंबर्स के सेट को इस तरह मेंशन किया जाता है कोई भी सेट अगर हमने मेंशन करना हो तो हम उसे इस तरह मेंशन करते हैं कि ये जो दरमानी ब्रैकेट होती है जैसे छोटे होते हैं हम कहते थे दरमियान वाली ब्रैकेट ये दरमियान वाली ब्रैकेट लिखते हैं उसके अंदर एक एलिमेंट लिखते हैं फिर ब्रैक एक, आ, ये कॉमा डालते हैं फिर दूसरा एलिमेंट लिखते हैं फिर कॉमा फिर दूसरा न, तीसरा एलिमेंट फिर कॉमा ठीक है तो ये हमने सेट मेंशन किया हुआ ये है नेचुरल नंबर्स का सेट जिसमें ज़ीरो नहीं है और ये इन्फिनी तक जा रहा है इन्फिनिटी का मतलब होता है जिसकी कोई हद ना हो ठीक है अब यहाँ पे जो है ये हम लोगों ने डाला है जीरो को भी डाल दिया होल नंबर्स में तो ज़ीरो वन टू तो, थ्री फोर और फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड सो तो ऑन क्या बन जाएगा हमारे पास होल नंबर्स बन जाएंगे ये इन दोनों में फ़र्क है उसके बाद है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो वन है ज़ाहिर सी बात है और जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो हमारे पास ज़ीरो है सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स में आते हैं लेकिन एक होल नंबर जो है जो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता और वो क्या है ज़ीरो ठीक है जी आगे हम देखते हैं हमारे पास इंटीजर्स क्या हैं इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास हैं सारे होल नंबर्स हैं लेकिन उसके अंदर जो है हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर नहीं है और ये जो है इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ देखें हमने लोगों कहा नेचुरल नंबर ये अब नंबर लाइन शो हो रही है हमारे पास हमने कहा नेचुरल नंबर ये हैं जो वन टू थ्री फोर फाइव है होल नंबर क्या है जीरो भी डाल दो तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव हो गया अब भी इन नेगेटिव वालों का क्या कसूर है इन्हें भी तो कहीं अकोमोडेट करना है तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तो ये सारे जो है ना ये इंटीजर्स में आ जाएंगे जब तक हम पूरे पूरे अदद की बात कर रहे हैं ना जब तक हम एक पूरे इंटीजर की बात कर रहे हैं तब तक हम इस पूरे को काउंट करेंगे वो कह रहा है कि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होगी फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएगा फ्रैक्शन का मतलब होता है मतलब कि इसके अंदर इशारे वाला नहीं आएगा जिस तरह हो गया ज़ीरो इशारे तीन मतलब पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फाइव इस तरह की चीज़ें इंटीजर्स में नहीं आएंगी इंटीजर क्या होता है तीन चार सौ हज़ार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंटीजर होती हैं जो पूरा पूरा एक हमारे पास अदद होता है उसको क्या बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं ठीक है ये मैं उर्दू में भी इसलिए बता रही हूँ कि जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्हें भी समझ आ जाए आगे हम देखते हैं वो कहता है कि जो इंटीजर्स हैं ना वो होते हैं कितने तरह के होते हैं वो होते हैं तीन तरह के अब वो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और नॉन नेगेटिव ये अब ऊपर हम लोगों ने इंटीजर्स देखे कि ये होते हैं अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो वन से ऑनवर्ड्स हैं जो ज़ीरो है और जो उससे नीचे वाले हैं जीरो को अगर अंदर डाल दिया जाए पॉजिटिव इंटीजर्स के तो ये सारे मिला के बन जाते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और अगर हम सिर्फ ये माइनस वालों की बात करें तो ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स तो ये देखें पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सो ऑन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर नॉन नेगेटिव क्या है कोई भी ज़ीरो को मिला के जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनमें से आप जो 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 मर्ज़ी लिखते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे नॉन नेगेटिव हो जाएंगे अब यहाँ पे क्या बात जो है वो काबिल ग़ौर है काबिल ग़ौर बात ये है कि हम लोगों ने ना कोई बटे वाली चीज़ लेनी है ना कोई फ्रैक्शन वाली चीज़ लेनी है यानी कि हमने कोई चीज़ बटे में लिखी हुई है तो वो हमारे पास इंटीजर नहीं है देखें बटे से मुराद ये है कि तीन बटा साथ ही मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कोई चीज़ इशारियाँ में लिखी हुई है तो वो हमारे पास इंटीजर नहीं है कोई चीज़ परसेंटेज में लिखी हुई है तो वो हमारे पास इंटीजर नहीं होगा अगर कोई चीज़ पावर में लिखी हुई है तो वो भी हमारे पास इंटीजर नहीं होगा ठीक है सॉरी यहाँ पे ना ये जो टूरिस्ट पर थर्टी सेवन है ना इसको लिखना था मैंने टूरिस्ट पर पॉइंट थ्री सेवन ये टूरिस्ट पर थर्टी सेवन है ये टूरिस्ट पर पॉइंट थ्री सेवन है अच्छा तो ये मैं आगे जाके आपको एक्जाम्पल से एक्सप्लन करती हूँ कि इसका क्या मतलब है ये यह देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इंटीजर नहीं है अभी यहाँ ऊपर हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं नेचुरल नंबर पढ़ा है होल नंबर पढ़ा है और इंटीजर पढ़ा है अब नेचुरल नंबर जो था वो ज़ीरो छोड़ के सारे नंबर्स थे पॉजिटिव वाले होल में ज़ीरो भी डाल के सारे नंबर्स थे और जो इंटीजर था उसमें क्या थे सारे पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो था ठीक है अब ये देखें कि इनमें से वो पूछ रहे कि कौन सा जो नंबर है वो इंटीजर नहीं है तो ज़ीरो हमारे पास इंटीजर है माइनस ट्वेंटी टू भी हमारे पास इंटीजर है अब बताएं कि इन दोनों में से कौन सा है जो इंटीजर है हमारे पास ठीक है अगर आपको पता हो तो अंडर रूट एटी वन का मतलब है इक्यासी का जो वो होता है ना स्केयर रूट न, नहीं से उर्दू में क्या कहते हैं मुझे भूल गया जो स्केयर रूट होता है एटी वन का उसको हम उसका आंसर क्या होता है नाइन तो जो हमारे पास नाइन है वो भी हमारे पास एक इंटीजर होता है तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा इंटीजर नहीं है तो हमने ये इशारिया वाला करना है कि ये जो इशारिया वाला है ये हमारे पास इंटीजर नहीं है थ्री पॉइंट सेवन 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 ठीक है अब इसके बाद आगे क्वेश्चन है नंबर दैट इज़ अ होल नंबर नेचुरल नंबर एंड इंटीजर अब हमारे पास एक नंबर है जो हमारे पास होल नंबर भी हो नेचुरल नंबर भी हो और इंटीजर भी हो इसमें से देखें तो ये जो सबसे पहले तो देखें ये फोर बाई थ्री जो है हमारे पास ये होल नंबर नहीं है जब हम चार को तीन पे तकसीम करेंगे तो वो हमारे पास वन पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा अब ये जो पॉइंट वन नाइन सेवन है ये भी हमारे पास जो है इंटीजर नहीं है पूरा आदद तो नहीं है ना फ्रैक्शन में आई ये सॉरी फ्रैक्शन में नहीं डेसिमल में आई है वैल्यू ये डेसिमल में है ये फ्रैक्शन में है ये हमारे पास ज़ीरो है ज़ीरो जो है हमारे पास होल भी है नेचुरल भी है और इंटीजर भी है सॉरी नेचुरल नहीं है होल और इंटीजर है और जो हमारे पास ये बी ऑप्शन है ये अगर आप देखें तो ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व है तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास इसका आंसर होगा आपके पास टू तो जो टू है वो हमारे पास नेचुरल नंबर में भी आता है होल में भी आता है इंटीजर में भी आता है ठीक है तो इसका आंसर है बी तो इस तरह आप लोगों ने जो है इनकी सारी डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से जहन में बिठा लेना है इस तरह के क्वेश्चंस अगर नेट से मिल सकते हैं तो वो देख के आप प्रैक्टिस कर लें तो ज़रूर इसको जो है वो अपने जहन में रखें ये बहुत छोटे छोटे और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अगली वीडियोज़ का इंतज़ार करें हम इंशाल्लाह मैथ्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हाफिज